दोस्तों, अगर आपने भी थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आपको भी जानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पैसे कमाते हैं। एक लाइन में अगर बताएं तो पीएम मोदी के पास ना खुद का घर है और ना अपनी कोई कार या फिर बाइक, लेकिन उनके पास पिछले 17 साल की संपत्ति में 33 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब ये तो पता चल गया कि पैसे में बढ़त तो है, लेकिन पैसा कितना है ये नहीं पता चला। इसे समझने के लिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, किसी भी नेता के पास कितनी दौलत है अगर ये आपको जानना है तो सबसे सिंपल तरीका इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है तो वो एक एफिडेविट जमा करता है जिसमें उसकी सारी वाइट इनकम, क्रिमिनल रिकॉर्ड और एजुकेशन तक की सारी सही जानकारी होती है। ऐसे में पीएम मोदी ने 14 मई 2024 को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार एफिडेविट जमा किया। उस एफिडेविट में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और बैंक इंटरेस्ट को अपनी कमाई का जरिया बताया। उन्होंने इस एफिडेविट में बताया कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और ना ही किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस है। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो पीएम मोदी के पास सिर्फ 4 अंगूठी है जिसकी कीमत 2,67,750 रुपए है, और अगर हम कैश की बात करें तो पीएम मोदी के पास 52,920 रुपया कैश है। अब बात करते हैं बैंक बैलेंस की, तो पीएम मोदी के पास गांधीनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 73,304 रुपया जमा है और वाराणसी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7,000 रुपया जमा है, और साथ ही उसी बैंक में 2,85,60,338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। अब आखिर में इन सब को जोड़कर पीएम मोदी का टोटल संपत्ति की बात करें तो वो 3,02,06,890 रुपए होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की संपत्ति में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब मोदी जी ने अपने एफिडेविट में बताया है कि उनकी सारी इनकम सैलरी से आती है, तो भाई ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है। चल भाई ये भी बता देते हैं। देखो, भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी की बात करें तो वो 2,00,000 रुपया महीना होता है जिसमें से उन्हें सब चीज कट के 1,60,000 रुपया मिलता है। अब इसे जानने के बाद आप ये तो नहीं बोलोगे कि सरकारी नौकरी में सैलरी कम होती है। अब आखिर में बात उस चीज की भी कर लेते हैं जिसके चलते देश भर के माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी करने बोलते हैं, बोले तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली फायदे की। अगर भारत का कोई भी प्रधानमंत्री रिटायर होता है या फिर अपना पद छोड़ देता है तो उसे रहने के लिए एक घर दिया जाता है, साथ ही 5 साल के लिए फ्री ट्रेन ट्रैवल, 1 साल तक SPG सिक्योरिटी, जिंदगी भर के लिए फ्री बिजली, पानी और मेडिकल फैसिलिटी। वैसे क्या आप भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।